हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट एफ बी अ नॉन नेगेटिव फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 टू 1 इफ इंटीग्रल 0 टू एक्स 1 माइनस एफ डैश ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। एक्स इज फ्रॉम 0 टू 1 एंड एफ ऑफ 0 इज 0 देन। सो दीज आर द गिवन ऑप्शंस हियर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए, लेमनीज थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमें अगर डिफरेंशिएट करना है एक इंटीग्रल का, लेट सपोज फ्रॉम एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स, दिस आर फंक्शंस, और एच ऑफ टी डी टी इसका इंटीग्रल है अपने पास यहां पर, तो ये इक्वल होता है, सबसे पहले टी के जगह हम लोग जी ऑफ एक्स पुट करते हैं टाइम्स जी डैश एक्स, देन माइनस टी के जगह हम लोग पुट करते हैं, ये आ जाएगा जी डैश एक्स, देन टी के जगह हम लोग पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है इंटीग्रल वो लिख लेते हैं, दैट इज इंटीग्रल 0 टू 1, 0 टू एक्स नॉट 1, 0 टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ टी इसका है स्क्वायर डी टी, और ये इक्वल है इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो लेमनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो मिलेगा 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट के अंदर टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही बनेगा, तो ये 0 ही आएगा, इक्वल्स एफ ऑफ टी के जगह एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 1, और इसका भी लोअर लिमिट के रेस्पेक्ट अपने को 0 ही मिलेगा। सो दिस इंप्लाइज वी गेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, विच अगेन इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर अपने को मिलेगा 1 माइनस एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, विच इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स वी विल बी गेटिंग एस प्लस माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स। सो दिस इंप्लाइज अगर हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स जो है ये बनेगा क्या, dy by dx equals plus minus square root of 1 minus y square. So this implies dy के नीचे हम लोग वो root 1 minus y square ले आएंगे, equals plus minus बन जाएगा dx, और हम लोग लगा देंगे दोनों तरफ integration. So integrate, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स इंटीग्रेशन प्लस माइनस डी एक्स। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल जो है ये फॉर्मूला अपने पास साइन इनवर्स का, सो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा ये, इक्वल्स प्लस माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 ही आएगा, एक्स आएगा सॉरी x और प्लस सम कांस्टेंट c। अब हमें सवाल में दिया गया था f ऑफ 0 0, तो हम लोग यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0, सो y जो है वो भी अपने को 0 ही मिल रहा है, सो साइन इनवर्स 0 इक्वल्स प्लस माइनस ऑफ 0 प्लस c, तो यहां से हमें c की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, तो c अगर 0 हो गया तो अपने पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई
दिस इक्वल्स प्लस माइनस ऑफ एक्स, विच इंप्लाइज वाई जो है ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, सिंस एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा था इंटरवल 0 to 1, सो दिस इंप्लाइज जो एफ ऑफ एक्स अपने पास है वाई, वो हम लोग लेंगे, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे, वाई इक्वल्स टू प्लस साइन एक्स बनेगा, तो अपने पास फंक्शन आ गया। सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा बन गया साइन एक्स। ऑल्सो वी नो दैट सिंस साइन ऑफ एक्स जो है ये लेस देन एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो दिस इम्प्लाइज हम अगर एक्स की जगह 1/2 रखें तो साइन ऑफ 1/2 हमें क्या मिलेगा, लेस देन 1/2, सो इट इम्प्लाइज एफ ऑफ 1/2, क्योंकि साइन ऑफ 1/2 एफ ऑफ 1/2 ही है, एक्स की जगह 1/2 रखें तो ये 1/2 से कम होगा। ऑल्सो साइन 1/3 भी 1/3 से कम ही होगा, तो इसका ये मतलब है एफ ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 से कम। तो ये अपने पास ऑप्शंस आ जाएंगे करेक्ट, एफ ऑफ 1/2 लेस देन 1/2 एंड एफ ऑफ 1/3 लेस देन 1/3, दैट इज ऑप्शन सी। सो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।